आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और बेसन से बहुत ही हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते में मैंने बहुत ही सारे सब्जियों का इस्तेमाल किया है जिससे यह हेल्दी भी हैं और यह सिर्फ़ एक चम्मच तेल से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे अपने बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में भी आराम से दे सकते हैं। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी शुरू करते हैं। सूजी का नाश्ता या पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिए हैं। 1 कप सूजी के लिए 1 कप पानी डालेंगे, तो यहाँ पे एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे बैटर गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1 कप पानी ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और देखिए सूजी अच्छे से फूल गए हैं। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। और इसके साथ ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे बैटर को मीडियम थिक रखेंगे, देखिए इस तरह। अगर आपके बैटर पतली हो गई है तो थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे सब्जियाँ। तो मैंने हरी मिर्च लिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता और थोड़ा सा टमाटर। इसके साथ ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे आप अपने मनपसंद सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने लिए हैं थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और खट्टापन के लिए यहाँ पर डालेंगे नींबू का रस। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, तो लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिला लेंगे और बेकिंग सोडा डालने के बाद तुरंत इसे पकाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने रखा है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके साथ डाल देंगे थोड़ा सा राई। इसे चटकने दें अच्छी तरह। ऑयल को अच्छी तरह फैला लेंगे पैन में और अब यहाँ पे डालेंगे बैटर। तो मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है, तो आधे बैटर को इसमें डाल देंगे और इसे स्पून से फैला देंगे। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने दें। 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑल किनारे पे डाल देंगे और इसे पलट दें। और इसके दूसरे साइड को भी 2 से 3 मिनट इसी तरह पकने दें। जितने अच्छे यह दिख रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे एक पैनकेक रेडी है, तो इसी तरह दूसरे पैनकेक को भी बना लेंगे। तो अब चलते हैं सर्व करने की तरफ। तो सर्व करने से पहले इसे काट लें। सब्जियों से देखिए यह कितने कलरफुल दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बनाना तो आसान है ही, अगर रोज के ब्रेकफास्ट खाते खाते बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने इसे लाल चटनी के साथ सर्व किया है, आप अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।